अस्सलाम वालेकुम यूर फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जी हैदर अली की हम कटिंग करवाने लेकर आए थे इसको, तो मैंने कहा चलें। हैदर अली पहले तो बहुत रो रहा था, क्योंकि जब भी कटिंग करवाने आते हैं बहुत ज़्यादा रोता है, कटिंग सही करवाता नहीं है। तो आज बहुत समझाने के बाद फिर थोड़ा सा माइंड इसका बना और मैं भी आज साथ आई। मैंने कहा चलो, मेरा बेटा रोता बहुत है तो मैं साथ जाऊँगी कि आज ना रोए। तो शुक्र है आज इसने बहुत ही अच्छी तरीके से कटिंग करवाई, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठा रह गया। और यहाँ जी रिदा भी बड़े मज़े से बैठी हुई थी सैलून में। यहाँ जी सब कोई भी नहीं था, बस हम थे। हम क्योंकि हम टाइम लेकर आए थे इनसे, तो बस सैलून बहुत अच्छा बना हुआ था, छोटा सा था। ये बहुत ही अच्छी कटिंग करते हैं, हमारे जानने वाले भी हैं, तो मैंने कहा चले यहीं से करवाते हैं। एक दो दफ़ा हमने इनसे करवाई थी इनकी कटिंग, वैसे जैसे हैदर रोता है ना उसके मुताबिक उन्होंने फिर भी सही की थी। पर आज हैदर अली छुप कर के इसने कटिंग करवाई, तो बहुत ही अच्छी कटिंग हुई जैसे मैं चाह रही थी। तो ये बड़े एहतियात से इसका हैदर काम कर रहे थे, कटिंग आराम आराम से कर रहे थे कि उसको कुछ भी ना हो, बहुत ही रिलैक्स बैठा था। शुक्र है आज, वरना इसके बाबा हर वक्त वीडियो बनाकर मुझे दिखाते रहते हैं कि आज हैदर अली बहुत रोया था। इसलिए मैंने कहा मैं आज अपने बेटे के साथ जाऊंगी, उसका माइंड बहुत चेंज करवा के। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे बहुत ही पसंद आए हैदर अली के बाद। बस फिर हैदर को बातों में लगवा कर उनसे बातें कर रहे थे और बस यही हो रहा था सब कुछ। यहाँ जी फाइनल लुक नज़र आ रही होगी आप सबको। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे बाल बन गए थे और हैदर आराम से बाल ड्राई करवा रहा था, चुप करके मीठा मीठा बन के बैठा था। बस फिर हमने यहाँ से घर जाके रेडी होकर, अम्मी के घर भी जाना था, अफ्तारी थी। बस फिर हैदर अली जी यहाँ पर रेडी हो गया और जी आराम से चुप करके बैठा रहा। ये यहाँ जी बाल लगे हुए थे वो भी हटा रहे थे, वो थोड़े थोड़े शायद रह गए थे वो भी कट कर रहे थे। यहाँ इसको टेबल पर ठहरा कर उसके सारे, इसको कपड़ा खुद नहीं रखा क्योंकि वो बहुत चिढ़ता है इस चीज़ से, इसलिए फिर उन्होंने कहा बस ऐसे ही इसकी कटिंग करते हैं, कोई बात नहीं, कपड़े घर जाके चेंज कर लीजिएगा। बस फिर यहाँ चुपचाप गुमसुम बैठा था जी। फिर हम अम्मी के घर आ गए, यहाँ जी अफ्तारी थी, आपी वाले भी आए हुए थे लाहौर से। यहाँ जी हैदर अली पहले वीडियो बनवा रहा था, कह रहे थे मैं बनाऊंगा और बंद करूंगा। फिर मैंने कहा चले फिर से सही सही आपको दिखा दें कि यहाँ जी फ्रूट चाट भी थी और जी दही भल्ले, मैक्रोनी रोल, खजूर और ठंडाई तो मस्ट होती है अम्मी वालों के घर, क्योंकि उसके बगैर तो हमारा गुजारा भी नहीं होता। हाँ जी, यहाँ जी हैदर अली वेट कर रहा था कि कब रोज़ा खुलेगा और कब हम सब खाएंगे। बस जी यहाँ मैंने यहाँ वीडियो आज नहीं बनाई क्योंकि अफ्तारी के बाद मेरी तबीयत बहुत डिस्टर्ब हो गई। घर आ गए हैं और बच्चों को फौरन ही सुला दिया। तो वीडियो आज की आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अब मैं क्या कहूँ, अल्लाह हाफिज़ कह सकती हूँ और क्या बात करूँ। चलें, हैदर अली तो वैसे भी सो गया है, उनका चलो लाइट से हट के आज हैदर अली की वीडियो पर एंड करते हैं, वरना तो जब सोते हैं बच्चे तो हम यहाँ पर लाइट रखते हैं। चलें कोई बात नहीं। ओके जी, सबको अल्लाह हाफिज़।